अस्सलाम वालेकुम। केक क्रिएशन पर आज हम डबल रोटी बनाएंगे जिसमें चॉकलेट के लेयर्स करके फ्लावर बनाएंगे। मैंने एक कप ऑल पर्पज़ फ्लावर लिया है और एक कप डबल रोटी का आटा यानी ब्रेड फ्लावर लिया है। इसको हम अच्छी तरह से छान लेंगे। मैंने आटा छान लिया। अब हम इसमें बारी बारी सारी चीज़ें डालेंगे। ईस्ट डालूंगी 1 टीस्पून, नीम गरम दूध है 125 ml, चीनी है 2 टेबल स्पून, एक अंडा और नमक है 1/2 टीस्पून। पहले हम इन सबको मिक्स करेंगे हाथ से, स्पैचुला से। ये देखें, इस तरह से मिक्स हो गया है। अब इसके अंदर हम पिघला हुआ मक्खन डालेंगे 3 टेबल स्पून, सॉफ्ट किया हुआ, सॉरी 3 टेबल स्पून मक्खन इसमें डालेंगे और इसको हम फिर से मिक्स करेंगे। अब मैं इसको मशीन में डाल दूँगी। बिल्कुल लो पे 5 से 10 मिनट हमको चलाना है इसको। ये अच्छी तरह से मिक्स हो गया है। अब हम इसको निकाल देंगे और राइस करने के लिए रख देंगे जब तक कि ये पूरा डबल नहीं हो जाए। तो इसको अच्छी तरह से सेलोफेन लगाएंगे। ये अच्छी तरह से देखें मिक्स हो गया है। थोड़ा सा ये ऐसा रहेगा लंपी लंपी जैसा, इट्स फाइन, ये सही है। इसके ऊपर हम सेलोफेन लगा देंगे और मैं इसके ऊपर टावल भी ढक दूंगी और इसको ड्राई गरम हिस्से की तरफ हम रखेंगे, इसलिए कि अभी सर्दी है तो इसको जितना गरम जगह हो उतना अच्छा है। तो मैं इसको विंडो के पास रखूंगी जहां धूप है। तो जब तक ये डबल नहीं होता तब तक मैं इसको वहां पर रखूंगी, फिर हम मिलते हैं। ये हमारा राइस हो गया। अब हम इसको बाहर निकाल लेंगे। थोड़ा सा आटा डालूंगी। हम इसको अच्छी तरह से गूंद लेंगे। अब इसको मैं हल्का सा आटा डालूंगी। इसके भी इवनली हम पीस करेंगे 3, 4, 5 हो गए। तो अब हम इनको बेलेंगे। दूसरी रोटी भी बेलकर इसके ऊपर हम इस तरह से डाल देंगे। तीसरी रोटी भी तैयार हो गई। इसको भी हम इसके ऊपर डाल देंगे। इस पर भी हम नटेला लगाएंगे। ये आखिरी है, ये हम इसके ऊपर डालेंगे। इसको आप एज पे थोड़ा सा सबको इवन कर लें। फिर हल्का सा बेल भी लें।
हम इसको सेंटर में इसका निशान लगाएंगे और इसको हम काटेंगे, डिवाइड करेंगे 16 में। ये इस तरह से करें, पहले इसको अब हम आधा करेंगे, फिर हम इसको भी आधा करेंगे और इसको भी आधा करेंगे। चार हिस्से करने के बाद हर एक हिस्से के चार हिस्से करेंगे। ये इस तरह से हो गया। अब ये हर दो को हम अपोजिट साइड में इस तरह से गोल कर देंगे। यहाँ पे इस तरह से पॉइंट बना देंगे। आखिर में थोड़ा से पॉइंट करना है, जरा सा निशान देना है ऐसे ही। अब इसको भी हम थोड़ी देर के लिए ढक के रखेंगे जब तक ये थोड़ा और राइस हो जाए, तकरीबन आधा घंटा। इसको आधा घंटा हो गया और ये राइस भी हो गया। हम इसके ऊपर अंडा और दूध का ब्रश करेंगे और इसको बेक करेंगे 350 पे 15 मिनट्स। इसको बहुत ही आराम से ब्रश करना है ताकि पॉप अप नहीं हो जाए। अब हम इसको बेक करेंगे।